नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु और टेक्नोपैट में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो फाइल्स होती है जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है, लेकिन फाइल साइज ज्यादा होने के कारण हमें उसे डिलीट करना पड़ता है। हार्ड डिस्क कैपेसिटी कम होने के कारण हम ऐसे फाइल को सेव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है, लेकिन उसकी फाइल साइज है 1 GB। ऐसी फाइल को हम सेव भी करना चाहते हैं, फिर भी फाइल साइज ज्यादा होने के कारण उसे डिलीट करना पड़ता है। फाइल साइज ज्यादा होने के कारण यूट्यूबर्स को भी अपने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने में परेशानी होती है, और व्यूअर्स को भी वो वीडियो लोड करने में परेशानी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस, राइट? कंप्रेस करने में भी कई दिक्कतें आती है, जैसे कि उसके रिजोल्यूशन चेंज हो सकता है, या फिर उसे क्रॉप करना पड़ सकता है, या फिर उसकी क्वालिटी इतनी डल हो जाएगी कि हमें उसे देखने में भी मजा नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कोई भी लार्ज वीडियो फाइल को क्वालिटी बरकरार रख के 95% तक कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोबाइट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपने टेक्नोबाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो हमें डाउनलोड करना होगा एक सॉफ्टवेयर। पहले गूगल सर्च कर लेते हैं, डाउनलोड हैंडब्रेक। ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है हैंडब्रेक। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 वर्ज़न में अवेलेबल है, मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 to 10 है। दोस्तों विंडोज़ एक्सपी के लिए अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी टाइम में। और ये लिनक्स, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ 64-bit वर्ज़न के लिए ही अवेलेबल है, इसलिए विंडोज़ एक्सपी में ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। अगर आपको विंडोज़ एक्सपी या 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको ये चलाना है, तो यहाँ पे ओल्ड रिलीज पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं पुराने वर्जन्स अवेलेबल है 32-bit में। 32-bit वाले वर्जन्स काफ़ी क्रैश हो रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ 64-bit वर्ज़न के लिए ही हम सॉफ्टवेयर रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है, तो मैं आपको डायरेक्ट प्ले करके दिखाता हूँ। आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ्रंट पेज इंटरफेस है। यहाँ पे ओपन सोर्स, स्टार्ट, एंड कोड, एड टू क्यू, शो क्यू, प्रीव्यू, एक्टिविटी लॉग। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊँगा। तो पहले तो हम इसे सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, हमें क्या कंप्रेस करना है, कौन से वीडियो को कंप्रेस करना है, वो इसे प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो को हमें कंप्रेस करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 63.8 MB की फाइल है ये, और इसकी ज़्यादा डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सोर्स फाइल की डिटेल्स, 28 सेकंड की वीडियो है, चैप्टर्स नहीं है, एंगल भी नहीं है। तो यहाँ पे 28 सेकंड की वीडियो 63 MB की है, जो कि बहुत ज़्यादा कही जाती है। अब यहाँ पे आता है डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मतलब हमारा आउटपुट कहाँ पे होगा, कौन सी जगह पे। तो यहाँ पे ब्राउज़ करके हम जगह दे देते हैं और फाइल का नाम दे देते हैं। यहाँ पर डेमो में फाइल का नाम देता हूँ और सेव कर देता हूँ। फिर यहाँ पे प्रीसेट में जाना है। प्रीसेट में आप देख सकते हैं बहुत सारे अवेलेबल है प्रीसेट्स। प्रीसेट्स मतलब दोस्तों डायरेक्ट अगर आपको किसी चीज़ के लिए बनाना है, जैसे आईफोन, आईपैड या कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए या एंड्रॉयड टैबलेट के लिए, तो आप यहाँ पे प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमें खुद ही सेट करना है। तो यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट सेटिंग्स। अभी आउटपुट सेटिंग्स में जाके हमें फाइल सब सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप कंटेनर में MKV या MP4, ये दो फॉर्मेट में आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे MP4 ही रखूँगा। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वेब ऑप्टिमाइज्ड, दोस्तों इसका मतलब है अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करनी है, या फिर इंटरनेट पे, या कोई भी अदर वेबसाइट पे अगर आपको अपलोड करनी है, तो ये वेब ऑप्टिमाइज आप टिक कर लीजिए। क्योंकि वेब ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है कि कंप्रेशन लेवल बहुत ही अच्छा होगा और क्वालिटी भी अच्छी से मेंटेन होगी, वेब के अकॉर्डिंग कंप्रेशन लेवल होगा।
तो आप ये टिक कर दीजिए। फिर हम चलते हैं पिक्चर टैब में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉपिंग। अभी दोस्तों क्रॉपिंग का मतलब है वीडियो को क्रॉप कर देना। अगर आपको यहाँ पे टॉप में या कोई भी अलग फिगर दिख रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे 25 है, तो आप कस्टम में जाके सारी चीज़ें ज़ीरो कर लीजिए, तो हमारी वीडियो क्रॉप नहीं होगी। अगर ऑटोमेटिक है और यहाँ पे कुछ भी अगर डिजिट है 25 या 28 या जो भी, तो उतनी वीडियो हमारी क्रॉप हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जो भी हो कस्टम में जाके ये सारी चीज़ें ज़ीरो कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप रिजोल्यूशन देख सकते हैं। रिजोल्यूशन हमें जो ओरिजिनल फाइल का रिजोल्यूशन है वही हमें मेंटेन करना है, तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे वीडियो टैब में जाते हैं, तो वीडियो टैब में दोस्तों वीडियो कोडेक में हमें H.264 ही रखना है। और यहाँ पे फिर जाते हैं क्वालिटी में, तो दोस्तों क्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। कंप्रेशन में ये क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप क्वालिटी बहुत ही डाउन कर देंगे, यहाँ पे लोअर क्वालिटी की तरफ अगर आप डाल देंगे और वीडियो को कंप्रेस करेंगे, तो क्वालिटी बहुत ही डाउन हो जाएगी और आपको कंप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे आप करेंगे तो कंप्रेशन बहुत ही कम होगा और वीडियो बहुत ही क्लीन होगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है 20 में यही रखता हूँ, और यही आप रखिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हैं दोनों ही तरफ से। यहाँ पे ऑप्टिमाइज वीडियो में जाते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एनकोडर प्रीसेट। अगर आपको यहाँ पे स्पीड बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं, स्लोअर कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हर एक चीज़ में। यहाँ पे वेरी फास्ट ही रखता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम जाते हैं ऑडियो टैब में, तो ऑडियो में हमें यहाँ पे ऑडियो सिलेक्ट करके 128 KBPS कर देना है, क्योंकि 128 KBPS में हमें साउंड भी अच्छा क्लियर मिलेगा और कंप्रेस भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे तो कंप्रेशन लेवल कम होगा, तो उससे आपका मेमोरी बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 128 रख दीजिए, और फिर देखते हैं सबटाइटल और चैप्टर्स, ये दोनों कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो बस इतना ही करना है। इतना करके हमें पहले तो प्रीव्यू करना है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि हम पहले प्रीव्यू करेंगे तो हमारा समय बच जाएगा। अगर हमने पूरा कंप्रेस कर लिया, समझो आप यहाँ पे 63 MB की फ़ाइल है, उसकी जगह पे अगर 1 GB की फ़ाइल है, हम लोग पूरा कंप्रेस कर रहे हैं, फिर पता चला कि 1 GB का बहुत ही कम कंप्रेस हुआ है या फिर क्लियरिटी बहुत ही चली गई है, डाउन हो गई है, तो फिर से आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे प्रीव्यू देख लेता हूँ कि कैसी क्लियरिटी मेंटेन होती है। यहाँ पे सेकेंड्स है, कितनी सेकेंड का आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, हम समझो 10 सेकेंड का प्रीव्यू करते हैं और लाइव प्रीव्यू में क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं ये वीडियो का, ये कंप्रेस्ड वीडियो की डेमो फाइल है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, और आपको मैं ओरिजिनल फाइल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ओरिजिनल फाइल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा हमारी क्वालिटी डाउन नहीं हुई है, तो हम अपने प्रीव्यू से सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई होने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट एनकोड कर देते हैं। यहाँ पे इसका प्रोग्रेस बार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनकोडिंग की प्रोग्रेस। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्रेस हो चुका है, तो चलिए प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं दोनों वीडियो की। ये ओरिजिनल वीडियो की प्रॉपर्टी है 63 MB, और यहाँ पे हम डेमो की देख लेते हैं 14.3 MB। देखिए दोस्तों, 63 MB की फाइल को हमने कंप्रेस कर लिया 14.3 MB में। और एक चीज़ दोस्तों आपको मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर में, अगर आपको ये सेटिंग्स आपको कंफर्टेबल लगी हो और परफेक्ट लगी हो, तो यहाँ पे आप ऐड करके सेटिंग्स को प्रीसेट में डाल सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूट्यूब, ये सेटिंग्स मुझे यूट्यूब के लिए समझो बहुत ही अच्छी लगी हो, तो मैं यहाँ पे प्रीसेट को यूट्यूब में डाल देंगे। तो अभी जब भी आप दूसरा वीडियो अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो सेटिंग्स मिल जाएगी जो आपने सेट की थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।